नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक बड़ा नाम सुभाष सिंह ठाकुर, ये एक ऐसा नाम है जो अपराध की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हत्या, अपहरण, फिरौती, हत्या का प्रयास, न जाने कितने सैकड़ों मामले सुभाष सिंह ठाकुर के खिलाफ दर्ज हैं, जिसके चलते आज सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। हालांकि सुरक्षा तथा अन्य कारणों से समय समय पर सुभाष सिंह ठाकुर को अन्य जेलों में भी स्थानांतरित किया जाता है और फिलहाल सुभाष सिंह ठाकुर वाराणसी की एक जेल में है, किंतु थोड़े अस्वस्थ भी हैं। वहीं देश भर में सुभाष सिंह ठाकुर को जानने और मानने वालों की कोई कमी नहीं है। सैकड़ों की तादाद में देश भर में ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जो सुभाष सिंह ठाकुर के मात्र एक इशारे पर बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं चूकते, और इन सभी अपराधियों का नेटवर्क सुभाष सिंह ठाकुर जेल से ही संचालित करते हैं। और वहीं उसी के तहत सुभाष सिंह ठाकुर से जुड़ा मामला भी हाल ही में सामने आया, जहां अपराध का गढ़ कहे जाने वाले नाला सोपारा से सुभाष सिंह ठाकुर का एक खासम खास गुर्गा मनीष कुमार सिंह को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करने में आखिर सफलता प्राप्त की। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। गुजरात पुलिस ने शनिवार देर रात नाला सोपारा पूर्व अचोले रोड इलाके से एक ऐसे कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है जो पिछले 12 सालों से पुलिस को चकमा देकर यहां रह रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार बदमाश डॉन सुभाष सिंह ठाकुर के लिए काम करता था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। उस पर मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि जगहों पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि शनिवार देर रात अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने नाला सोपारा अचोले रोड स्थित रश्मि गार्डन में रह रहे कुख्यात बदमाश मनीष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस को जब पता चला कि नाला सोपारा में मनीष अपने परिवार के साथ रहता है, तो पुलिस के एक अधिकारी ने 20 दिन पहले वहां वॉचमैन की नौकरी पकड़ी, फिर उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मनीष डॉन सुभाष सिंह ठाकुर के लिए काम करता था। 30 जून 2001 में उसने मुंबई में फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सचिव अजीत दीवानी की फिरौती मामले में उसकी हत्या कर दी थी। लगभग 12 सालों से वह फरार चल रहा था। उस पर गुजरात में हत्या, फिरौती, आर्म एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। रविवार को जब गुजरात पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जा रही थी, तब स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर विरोध किया। हालांकि तुलिंज पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार गुजरात पुलिस उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब रही। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि इतना दुर्दांत अपराधी स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे वर्षों से रह रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस को कोई खबर नहीं थी। वहीं पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात से पुलिस ने आकर नाला सोपारा क्षेत्र से कई दुर्दांत अपराधियों को धर दबोचा है। तो क्या माना जाए कि नाला सोपारा अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है? देखिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।